क्या भैया, मेरा व्यक्तिगत मामला मैंने अपना बता दिया, पार्टी का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए कि पैसे खरीदिएगा है कि नहीं है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे ना। हम NDA में है ना UPA में है। बड़ा फैसला लेने का अभी तक वक्त नहीं आया क्योंकि 25 तारीख तक आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। आज बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में हम आपको बता दें तो जितनी भी राजनीतिक दल है आज इनकी जयंती मना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर पर, जहां पर आज श्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। बातचीत करने के लिए नवादा के पूर्व सांसद चंदन जी हैं। किस तरीके से आप लोग आज श्री कृष्ण जी की सिंह की जयंती मना रहे हैं? सबसे पहले मैं भगवान रूपी महापुरुष आदरणीय श्री कृष्ण बाबा को बारम्बार प्रणाम करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज 137वां जयंती समारोह, हम सभी लोग हजारों की संख्या में आए खतरन, सब लोग एकजुट होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनका जयंती समारोह मनाने का काम किए। और कृष्ण बाबू ऐसे महापुरुष थे जिसके बारे में जितना भी बोला जाए कम ही होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और बिहार में उन्होंने एक नई यखी खींचने का काम किया। आज आप लोग को भी पता है मोखामा के पास राजेंद्र सेतु पुल जो है उन्हें खत बनवाया हुआ था। उन्हीं के समय में बरौनी में फर्टिलाइजर का काम हुआ, बेगूसराय में रिफाइनरी का निर्माण हुआ, झारखंड उस समय साथ था, बुखारों में स्टील फैक्ट्री का निर्माण हुआ। ऐसे कई सैकड़ों योजना है जो उनके कार्यकाल में निर्माण हुआ, जिससे मैं समझता हूँ अभी तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आने वाले हजारों हजार वर्ष तक उनके इस विकास में जो योगदान रहा है याद किया जाएगा। चंदन जी, आप लोग एक मांग भी कर रहे हैं कृष्ण सिंह की जयंती के दिन। मांग नहीं कर रहे हैं, 2019 में जब मैंने MP बना तो सबसे पहला काम मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी के माध्यम से ऐसे महापुरुष भगवान रूपी महापुरुष आदरणीय श्री कृष्ण बाबू को लिए भारत रत्न देने का मान किया था। और आज फिर आप लोग के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से मांग करता हूँ कि ऐसे भगवान रूपी महापुरुष को भारत रत्न दिया जाए जिन्होंने विकास की एक नई रेखा खींचने का काम किया है। चंदन जी, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, 4 सीटों पर उपचुनाव है, BJP कब तक इग्नोर करने वाली आप लोगों को क्या लग रहा है? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, ये हम कैसे बता दें? हम पार्टी में हैं कि नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, लेकिन इतना पता है ना हम NDA में है ना UPA में है। नहीं, क्योंकि NDA की ओर से चिराग पासवान को 1 सीट दे दिया गया है, लेकिन आप लोगों को क्या दिया गया नहीं पता है। मैं पर्सनल बात करता हूँ, मैं अभी व्यक्तिगत समझता हूँ कि ना NDA में हूँ ना UPA में हूँ। बस रही पार्टी की बात, तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उनसे इस पर बात कीजिए आप लोग। ठीक है चंदन जी, एक आखिरी सवाल होगा, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रही हूँ कि बड़ा फैसला लेने का अभी तक वक्त नहीं आया क्योंकि 25 तारीख तक आखिरी दिन है, डेट है। क्या भैया, मेरा व्यक्तिगत मामला मैंने अपना बता दिया, पार्टी का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए कि पैसा खरीदिएगा या फिर उनसे पैसा खरीदेगा, अब वही बता पाएंगे। तो 4 सीटों पर चुनाव को लेकर साथ ही साथ जो अभी सियासी माहौल है उस पर भी हमने बातें करने की कोशिश की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।